एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा जाती है तो नेचुरल है मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की आवाज़ में ताकत आएगी। अगर मुझे नाम आपका चला है, आपका नाम चला है और आप कहीं ना कहीं बलिदान कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बलिदान नहीं कर रहा हूँ। आप जब बोल रहे हैं, सुनील जी से मांग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहेगा कि कमलनाथ भी चाह रहे थे राज्यसभा जाने की, तो उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बात ये है कि मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे खबर विभाग, मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिन्हा। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से 4 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को मिलनी तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की इस 1 सीट को लेकर सियासी गलियारों में कई नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी राज्यसभा के लिए लिया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने कांग्रेस आलाकमान को एक पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने की सिफारिश की है। दोनों नेताओं ने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखा है। इसमें सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का आग्रह किया गया है। उमंग सिंघार का कहना है कि सोनिया गांधी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। इसके लिए हमने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को लेकर भी उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। कमलनाथ से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वह राज्यसभा नहीं जाना चाहते। सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन इस बार उनके राज्यसभा जाने की चर्चा काफी तेज है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सोनिया गांधी को लेकर पूरे देश में यह भाव है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्यागा है। अगर वह मध्य प्रदेश राज्यसभा जाती हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसमें मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, साथ ही मध्य प्रदेश के सम्मान में ताकत भी आएगी। पटवारी आगे कहते हैं कि यह सिर्फ मेरी मांग नहीं है, यह कमलनाथ जी भी चाहते हैं। सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने भी आग्रह किया है। एमपी के सारे नेताओं का कहना है कि अगर सोनिया गांधी यहां से राज्यसभा जाती हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि अगर कमलनाथ जी का मन होगा तो हम सभी लोग उनके साथ हैं, वह हमारे सीनियर नेता हैं। सोनिया जी को लेकर तो पूरे देश में कांग्रेस जन के अंतर मन में ये भाव है कि अगर एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा जाती है तो नेचुरल है मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की आवाज़ में ताकत आएगी। और ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है एज ए अध्यक्ष, ये हमारे कमलनाथ जी की मांग है। वो भी अभी बीच में सोनिया जी से मिले थे तो उन्होंने भी आग्रह किया। हमारे सारे सीनियर मोस्ट नेता दिग्विजय सिंह जी और सारे हमारे CLP के नेता, सारे विधायक, हम सब ने एक साथ एक भाव से ये बात कही है कि सोनिया जी अगर राज्यसभा जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जब बोल रहे हैं, सोनिया जी से मांग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहेगा कि कमलनाथ भी चाह रहे थे राज्यसभा जाने की, तो उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, बात यह है कि कमलनाथ जी, तो मैं मानता हूँ कि वो इतने पद के कभी लोग ही रहे नहीं, और अगर उनका मन है तो फिर तो सर्वमति से हम सब उनके साथ हैं। कोई वैसी जगह भी नहीं है, वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर है। तो ये सब बातें अखबारों की है, ये सब बातें विपक्ष की है, हमारे लिए न कोई किसी प्रकार का। जहाँ तक जैसे मेरे को आपने कहा कि आपका भी नाम है, मेरे को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति को 2 पद दिए जाए राज्यसभा के लिए? मैंने कभी ना डिमांड की ना करूँगा। अगर मुझे नाम मुझे, आपका चला है, आपका नाम चला है और आप कहीं ना कहीं बलिदान कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बलिदान नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पार्टी अगर कहेगी भी तो भी मेरी ना है। मैं राज्यसभा के लिए जो हमारे बहुत योग्य लोग हैं, बहुत जिनका अधिकार भी है, उन्हीं में से कोई जाएगा या सोनिया जी जाएगी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, किसी भी रूप में, किसी भी हालात में न मैं कैंडिडेट था, न हूँ, न रहूँगा। दरअसल कांग्रेस ने अभी तक राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। इस हिसाब से पार्टी को 1 राज्यसभा सीट मिलना तय मानी जा रही है, लेकिन चर्चा यह भी है कि भाजपा 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो मामला दिलचस्प हो सकता है। ऐसे ही और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप क्या कहेंगे इस वीडियो पर।